गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू यू ऑल आवर बीडीएस के डिजिटल स्टडी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। मायसेल्फ विनेश शुक्ला, टुडे आई एम विद द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ चैप्टर 5, द लॉज ऑफ मोशन, दैट इज डायरेक्शन ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। In previous videos, I have told the many topics about the first law and the some examples of the first law. Today, what we are going to solve? आज हम जा रहे हैं क्या सॉल्व करने? Newton के second law. और मैं फिर से बता देना चाहता हूं, आप ninth में इन कॉन्सेप्टों अच्छे से समझाए। 12th, 11th में सिर्फ आपका डिफरेंट ये होना है कि आपके जो आर्टिकल है उनको, जो मैथमेटिकल उनका जो फॉर्मेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंशन थोड़ा डिफर हो जाएगा, थोड़ा डिफरेंट हो जाता है इस चैप्टर में, बाकी सब कुछ वही है। फोर्स के बारे में कहा जाता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सीलरेशन। और जब उन दोनों को क्या किया जाता है, कंबाइन किया जाता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। यही हमारा सेकंड लॉ है और इसी सेकंड लॉ को हमको डिराइव करना है, हमको प्रूव करना है। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन इज कॉल्ड द फोर्स। व्हाट इज एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन इज स्टार्टिंग आफ्टर दे अप्लाइड द फोर्स, इट गेट द स्पीड स्टार्टिंग फ्रॉम द रेक्स एंड गेट द स्पीड ऑफ बी, फाइनल वेलोसिटी बी। तो देयर इज अ चेंज इन द वेलोसिटी एंड दिस चेंज इन द वेलोसिटी विद द मास इज कॉल्ड द मोमेंटम। आप मोमेंटम को क्या जानते हैं? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड द मोमेंटम। अब कोई बॉडी कहीं पर रखी हुई है तो उस बॉडी का मास होगा और वेलोसिटी भी इनफाइनाइट, हम उसको जीरो मान लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। और जब हम उस पर क्या लगाएंगे, अप्लाई करेंगे फोर्स, तो उसको कुछ दूर ले जाकर डिस्प्लेस कर देंगे। दिस डिस्प्लेसमेंट विद द टाइम रेट इज कॉल्ड वेलोसिटी एंड दिस इज फ्रॉम यू टू बी दिस चेंज ऑफ वेलोसिटी, सो दिस इज एक्सीलरेशन। बहुत सारे टॉपिक आप लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं, मोशन के सेकंड लॉ के बारे में। तो एक्सीलरेशन को आपको बताया मैंने, आपको द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड द फोर्स हियर। तो सो लेट मी अंडरस्टूड व्हाट इज वी आर गोइंग टू सॉल्व। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, mu से mv, इनिशियल वेलोसिटी इज u एंड फाइनल वेलोसिटी इज v, mu से mv, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। और वही जो मैंने आपको पहले बताया कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेखा चेंज या मोमेंटम की है, यानी कि एक्सीलरेशन की है। ओके, इन द एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच फोर्स एक्ट्स, और ये उसी डायरेक्शन में जाती है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है, फोर्स दिया जा रहा है। तो सपोज दैट बॉडी, कोई बॉडी है जिसका मास क्या है एम, उसकी पीवन पहले वेलोसिटी है मोमेंटम है, आफ्टर की टाइम उसकी मोमेंटम पी टू हो जाती है। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ, जब चेंज ऑफ मोमेंटम निकालोगे तो पी टू माइनस पी वन करोगे और पी टू माइनस पी वन को डेल्टा पी भी लिख सकते हैं। तो इस लैंग्वेज को हम डायरेक्ट लिखते हैं क्या, डीपी डीटी, यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब यहां पर देखिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी इज इक्वल टू पी टू माइनस पी वन, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी टू माइनस पी वन, पी पी टू माइनस पी वन और पी टू यानी कि एम बी माइनस एम यू, यानी कि एम बी माइनस यू।
ठीक है ना, अपॉन डेल्टा टी, टी टू माइनस टी वन, ओके डेल्टा टी। तो अब भी मान, अब ये टी की वेलोसिटी से वेलोसिटी होगा, टाइम से टाइम नहीं हमको मिलेगा। इस कांस्टेंट को जब इस लेंथ से को उसका मैथमेटिकल फॉर्मेशन मिलता है, एफ डेल्टा प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम व्हिच मींस दैट डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, वेयर द डेल्टा पी इज द रेट ऑफ डेल्टा पी इज द चेंज ऑफ मोमेंटम पी टू माइनस पी वन एंड डेल्टा टी इज द चेंज ऑफ टाइम। नाउ वी यूज द दैट ए कांस्टेंट के इज अ मैथमेटिकल कांस्टेंट दैट इज के k is equal to, and now this delta can be written as the delta p upon delta t with the tends to time tends to respectively zero, okay? यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग इस concept को देखते हैं और ये तीन चीज आप देखिए, तो dp by dt p की जगह m into v, mass into velocity, velocity is the vector quantity, so we write the v, मास इज द कांस्टेंट, कांस्टेंट आप बाहर ले लेंगे dv by dt, एंड इन द फर्स्ट वीडियोस ऑफ दिस क्लास मोशन आई हैव टोल्ड यू dv dt इज इक्वल टू a, dv dt द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी एंड टाइम, द वेलोसिटी द रेट ऑफ टाइम इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। सो f एंड दिस f इज इक्वल टू dv dt, ये और ये आपस बराबर, f बराबर m into a, और ये चीज मैंने आपको बताई थी कि जब आप p यहां पर इसको 30 डिवाइड करेंगे, इधर 30 डिवाइड करेंगे तो ये m माइनस वो क्वांटिटी ये ही क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और f बराबर m हमें मिल जाएगा। ये आपका द रेट ऑफ डेरिवेशन ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब यहां पर कुछ कॉन्सेप्चुअली हमको बात करनी है, कुछ कॉन्सेप्ट को इसको अंडरस्टूड करना है कि आखिर वो कौन कौन सी कंडीशन, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो हमारी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को क्या करती है, एक सेटिस्फिकेटरी कंडीशन मिलाती है, इसको सेटिस्फाइड करती है। तो इसके लिए हमको दो चार पॉइंट ऊपर से डिस्कशन करनी पड़ेगी बच्चों, और वो दो चार पॉइंट क्या है जैसे हम लोग डिस्कशन करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है एफ इज इक्वल टू जीरो, ए इज इक्वल टू जीरो, एफ हमारा फोर्स नहीं लग रहा है, एक्सेलरेशन कहां होना है, इन दिस कंडीशन दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, इट इज कंसिस्टेंट टू द फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, ओके बेटा। यहां से कंक्लूजन यानी कि न्यूटन के सेकंड लॉ से हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ का कंक्लूजन निकाल सकते हैं, अगर हम एफ बराबर क्या रखें, जीरो रखते तो उस कंडीशन पे हमको ए भी जीरो की कंडीशन प्राप्त होगी, ओके। नाउ द सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज द वेक्टर लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को क्या कहते हैं हम लोग, वेक्टर लॉ कहते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की क्या होती है, मेंशन होता है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। अब आप ये कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी आ सकता है, क्योंकि जब ये रिजोल्यूशन होता है जब फोर्स का, इट इज एक्स वाई, दिस इज एक्स एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, उन पर भी क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको रिजोल्यूट कर सकते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर इज पॉसिबल। सो द सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज द वेक्टर लॉ। थर्ड इज दिस लॉ स्टैंड्स फॉर द नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द पार्टिकल स्टैंड फॉर द एक्सप्रेशन फॉर द पार्टिकल्स। क्या ये कहने का मतलब है कि फोर्स जो होती है वो नेट फोर्स वर्क करती है, जैसे आप किसी चीज किसी बड़े मास पर आप फोर्स लगा रहे हो, तो अगर आप उसकी किसी एक पार्ट पर फोर्स करो तो क्या उतना होगा, क्या उतना उसका डिस्प्लेस होगा, नहीं वो नेट पूरे फोर्स का क्या होगा, फोर्स डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो नेट फोर्स जाकर के क्या करेगा, नेट एक्सेलरेशन की तरफ क्या करेगा, वर्क करेगा। एक लास्ट पॉइंट आपका दिया है आपके बुक में लिखा हुआ है बच्चों, द सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज द लोकल रिलेशन व्हिच मींस दैट फोर्स एफ एट अ पॉइंट इन स्पेस एट अ सर्टेन स्केल ऑफ टाइम इज रिलेटेड टू ए दैट पॉइंट एट acceleration here and now is determined by the force, not by any history or motion of the particles. It means that आप mass को depend करता है, acceleration को depend करता है, rate of change of momentum भी acceleration होता है। इस प्रकार से मैं समझता हूँ आप न्यूटन के सेकंड लॉ की जो इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन प्रिंसिपल जो आपकी
जो जानकारी है वो स्ट्रॉन्ग हुई होगी। बच्चों अपनी नोट्स को मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड करते हैं, अपनी पढ़ाई करने का सबूत आप मुझे दें ताकि मैं भी संतुष्ट हो सकूँ, स्कूल भी सेटिस्फाई हो सके। लेट्स मी मीट अगेन टू टॉक विद द न्यू इंटेंसिटी ऑफ द नॉलेज अबाउट द चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। टिल यू टेक केयर, रेस्ट एट होम एंड बी केयरफुल, wear the mask, sanitize your hand and happy, happy, happy.